हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका अपने इस चैनल SBJ जॉब्स अड्डा में। दोस्तों, जॉब और गर्लफ्रेंड दोनों एक जैसे होते हैं, चले गए दोबारा लौट कर नहीं आते। और इसलिए कहता हूँ, जॉब जब भी मिले अप्लाई कर दो, छोड़ो मत। समझ रहे हो ना, आपके लिए एक शानदार जॉब ऑफर लेके आया हूँ। और ये जॉब ऑफर है जियो की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, जो ओपनिंग निकली है वर्क फ्रॉम होम की, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, कोई भी हिंदी लैंग्वेज बोलता है, गुजराती, मराठी, तमिल, कोई भी लोकल लैंग्वेज के साथ आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। रिलायंस जियो जैसी बड़ी कंपनी में काम करने का मौका मिल रहा है। कोई भी 10th 12th पास आउट बिना किसी एक्सपीरियंस के अपने ही मोबाइल से काम करना है, घर से रहकर, सैलरी अच्छी। और कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे सिलेक्शन होगा, हर एक चीज़ बताने वाला हूँ आपको। और अप्लाई लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके अप्लाई कर लो। अगर आप ऐसे जाके सर्च करोगे तो रल जाओगे, क्योंकि इनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जो लिंक है जॉब का, वो मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है, इसलिए कह रहा हूँ कि आप जाके डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ही अप्लाई करना। दोस्तों चलिए चलते हैं, डिटेल में समझाते हैं आपको क्या एलिजिबिलिटी है, क्या काम है। और सबसे पहले आपको दिखा दूँ, अपडेट आज ही निकली है, अभी कुछ घंटे पहले जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, तारीख यहाँ पर 22 सितंबर, और यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा नीचे 22 सितंबर है, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, 22 सितंबर को वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज ही अपडेट आई है। और जब भी अपडेट निकलती है, हमारे इंडिया के मल्टीपल शहर में, मल्टीपल सिटीज़ में वैकेंसीज निकलती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अमरावती है, नासिक है, भोपाल है, बद्दी है, ठीक है जी, आपका ये आगे आपका लखनऊ, मैसूर, चंडीगढ़, कोलकाता, ऐसे और भी पोस्ट हैं। तो भर भर के वैकेंसी निकली है। तो जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर, मैं हूँ यूपी से, तो मैंने जो है लखनऊ वाले को क्लिक कर दिया, आपके सामने जॉब यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ये हो चुकी है जॉब ओपन। चलिए चलते हैं, डिटेल को पढ़ते हैं। वर्क यहाँ पे है कस्टमर सर्विस का, आज ही जॉब अपडेट यहाँ पर आई है। यहाँ पे दोस्तों जियो ने हर स्टेट में अपने ऑफिस बना रखे हैं और हर शहर में अपने ऑफिस बना रखे हैं। तो आपको जो जॉब लगी है आपकी, वो आपको जाना पड़ेगा अपने लोकल वाले ऑफिस में, उसके बाद आपको काम मिलेगा जो आपको अपने घर से करना है। क्योंकि ये जो काम होता है, कस्टमर जो होते हैं जियो के, हो सकता है आपके पास भी जियो का सिम हो, मेरे पास तो है, अगर उनकी कोई भी क्वेरी है तो वो आपको कॉल करेंगे, आपको उनसे बातचीत करनी है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यानी कि एक तरह से आपको कस्टमर को सपोर्ट करना है। पहले ये काम ऑफिस से किया जाता था, लेकिन कोरोना के बाद से ये काम घर से किया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि देखो, आप जिनसे बात करोगे वो कोई गाँव का व्यक्ति हो सकता है, कोई शहर का व्यक्ति हो सकता है, कोई बड़ा बुजुर्ग हो सकता है, तो आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए और सबको ही आती है, इसलिए जॉब काफ़ी अच्छी, काफ़ी आसान है। दोस्तों अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कोई भी 10+2 मिनिमम क्राइटेरिया 12 पास आउट है अप्लाई करने का। इनका कहना तो है 6 मंथ की नॉलेज हो, लेकिन आपने रिज्यूम में डाल देना नॉलेज है, कोई टेंशन की बात नहीं है, हो या नहीं हो। अब यहाँ पर देख सकते हो कुछ चीज़ें यहाँ पर मांगी है। नंबर एक, स्पीक लोकल लैंग्वेज, आपको अपनी लोकल भाषा आती हो। आप मराठी हैं तो मतलब महाराष्ट्र से है तो मराठी आनी चाहिए, तमिल से हैं तो तमिलनाडु से तमिल आनी चाहिए, ठीक है जी, कोलकाता से हैं तो आपको बंगाली आनी चाहिए, उत्तर प्रदेश से है तो हिंदी आनी चाहिए, है ना, हिंदी तो ऑल ओवर सबको आनी चाहिए। तो स्पीक लोकल लैंग्वेज, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कस्टमर फोकस, टेक्निकल ओरिएंटेड, सर्विस माइंडेड, ये छोटे मोटे होते हैं जिसमें आप अगर किसी से बात कर रहे हो, मान लीजिए कोई कस्टमर है और कल को वो आपसे बदतमीजी कर देता है कॉल पर, तो आपको एग्रेसिव नहीं होना है, आपको उससे पोलाइट ही बात करनी है। सामने वाला कुछ भी कहे, आपको जी जी ही करना है, क्योंकि वो फ़ोन में घुस के थोड़ी लड़ाई करने आ जाएगा, बोल ही रहा है क्योंकि वो उसका कुछ नुकसान हुआ है इसलिए वो बोल रहा है, तो ऐसे में इग्नोर करो। तो ये चीज़ें होती हैं जिसे कहते हैं कस्टमर फोकस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके पास हैं, ठीक है, मतलब ऐसे स्किल होने चाहिए कोई आपके पास लड़ाई करने के लिए आया और आपसे वो हाथ मिला कर जाए। अब अप्लाई का तरीका मैं आपको बताता हूँ। अप्लाई करने के लिए, अप्लाई में क्या होगा, अप्लाई करने के बाद आपको एक कॉल आएगी, सिंपल सा आपका एक इंटरव्यू होना है जो वर्चुअली होगा और उसे आप अटेम्प्ट कर लेना, बस इतना सा काम यहाँ पे है। अब मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ, तो आपको सबसे पहले, चूँकि ये है जियो के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर, दोस्तों जियो के नाम पर फ्रॉड बहुत होने लगा है, इसलिए जो जॉब मैं बता रहा हूँ वो जियो के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर है, वहीं से ही अप्लाई करना। बहुत सारे लोग कहते हैं जियो में जॉब लो, आपने देखा भी होगा शहर में कहीं कहीं पर पर्चे चिपके रहते हैं, दीवार वगैरह पे लिखा रहता है जियो में जॉब पाएँ, सैलरी 35,000 रुपये। वो लोग पता क्या करते हैं, पैसे ले लेते हैं, जॉब नहीं लगवाते। ऐसे किसी भी लोग से पास ना जाएं जो आपसे पैसे मांगे। अपने इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब बताई जाती है, एक भी रुपये आपका खर्च नहीं कराते हम, ना ही कभी कराएंगे।
और अगर कहीं पे होता है तो मना कर दो, बोलो वो सर ने मना किया, और यहाँ पर भी आपको बस अप्लाई कर देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जॉब मिल जाएगी। सबसे पहले आप यहाँ पे एक न्यू यूज़र हैं तो अपना अकाउंट बना लें, जिसमें आपका नेम, एड्रेस, सिटी वगैरह सब आ जाएगा। उसके बाद आपका अकाउंट बनाने के बाद आप जब अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर अपनी डिटेल डालनी है, क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी है, बस सारी चीज़ें भर के फॉर्म उसके बाद सबमिट कर देना। आपको विद इन 24 आवर या 48 आवर के अंदर अगर रिवर्ट आता है इट मीन्स आप सेलेक्टेड हो, अगर नहीं आता तो आप रिजेक्टेड हो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ अप्लाई करो।